2 दिन पहले इधर से एक बच्ची को उठा के किसी ने लेके गया। ये सब नशाखोरी का ही काम है, नशा करते हैं, दूसरे की बच्ची को इधर लेके जा रहे, उधर लेके जा रहे। हमारा प्रशासन से एक ही कहना है कि प्रशासन इसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे के इसको बंद करा दे। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन से। इस वक्त हम एक हटको पर नारायण नगर के इमामबाड़ा के सईदा सोसाइटी में आज फिर नशे के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। जिस तरीके से हमने पिछली कई बार खबरों में बताई गई कि घाटकों पर में जिस खुले आम नशा बेचा जा रहा है, चरस, गांजा, और मासूम बच्चों को इसका टारगेट बनाया जा रहा है। मासूम बच्चे नशे के आदि होते जा रहे हैं और जवान भी इस नशे के इतने आदि हो चुके हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं नशे में, इनको खुद को कुछ पता नहीं होता है। इसी चीज को लेके आज आवाज उठाई जा रही है, तो हमारे साथ आज महिलाएं पुरुष मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आज जिस तरीके से नशा बेचा जा रहा है उस पर आप क्या कहोगे? मेरा नाम सहबाज अहमद सिद्दीकी है। इधर पे नशे के रिकॉर्डिंग अभी रात बिरात लोग इधर से आते जाते रहते हैं। इधर महिला को छेड़छाड़ होती है और रात बिरात चोरी हो रही है। नशा तो रुकने को तैयारी नहीं है। हमारे इधर एक फिनिक्स मॉल है, उसकी वॉल थी जो कि उसकी वॉल को पूरा गिरा दिया गया है। हमारी कंप्लेंट हमने मुख्यमंत्री साहब को भी भेजी है, गृह मंत्री साहब को भी भेजी है, स्थानीय नगर सेवक को भेजी है, मुंबई पुलिस आयुक्त को भेजे है, बीएमसी कमिश्नर को भेजे है, और यहाँ की खासदार है पूनम ताई महाजन, उनको भी लेटर द्वारा दिया गया है। हमने सब जगह कंप्लेंट दे दिए गए हैं हमारे, और यहाँ पे हमको इतनी परेशानी हो रही है, रात बिरात कुछ नहीं, दिन दहाड़े सब आना जाना सबका लगा है, चरस, गांजा, MD सब लोग जगह पे इधर छोड़ो कोने कोने में पीने का काम चालू कर दिए। अभी कोई किसको बोलता है तो उसके ऊपर वो पर्सनली अटैक करते हैं। इसके रिकॉर्डिंग को लेके हमने घाटकों पर चौकी में मुंबई पुलिस को सब जगह हमने अपनी सोसाइटी की तरफ से लेटर दे दिया गया है, बाय पोस्ट भेजा गया है। तो आप जिस तरफ से लेटर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और ACP DCP इन सबको आपने अर्जी दी है, तो इन लोगों ने अब तक कोई कार्रवाई की है? अभी तक तो हमको कोई रिप्लाई नहीं आया इनकी तरफ से, किसी की भी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया हमको। इस मामले में आप क्या कहोगे नशे के खिलाफ? नशे को खत्म होना चाहिए, इतना एक रिपोर्ट दिया जा रही है, उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक आदमी जाएगा तो कोई पूछने को तैयार नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, और सबसे बड़ा तो वो दीवार के पूरा गार्डन से पूरी पब्लिक आते हैं जाते हैं, उधर पीछे पूरा वो नशे का ये होता है। तो अब इंसान कौन सामने जाके बोलेगा, तो उसको नशे की हालत में किसको भी मार तोड़ करते हैं, दुनिया भर की चोरी चमारी हो रही है। आप कह रहे हैं कि पीछे से आते हैं, गार्डन भी है और उसके पीछे फिनिक्स मॉल भी है, तो फिनिक्स मॉल मैनेजमेंट डायरेक्टर या वहाँ के मैनेजर कोई आवाज नहीं उठाते या एक्शन नहीं लेते? उन लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे, उन्हें कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसी के लिए तो इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब हम महिलाओं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? जो पर्यंत दिवाळ बनत नाही तो पर्यंत काहीच होऊ शकत नाही, आणि त्या जे लांबून लांबून येतात त्यांच्यामुळे लहान पोरं आमच्या एरियाची बिघडत आहेत, आणि जे जोपर्यंत भिंत उभी राहणार नाही तोपर्यंत त्याचं काही होणार नाही, आणि इथे रात्री अपरात्री बाहेर यायला पण भीती वाटते की सगळे चोरी चमारी सगळे नशेवाले तिकडनं जातात, त्याच्यामुळे लवकरात लवकर त्याचं काय करायचंय ते करा। आइए यहीं पे हमारे साथ एक खाला भी मौजूद है, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? खाला आप क्या कहोगे? भाई हम लोग की खोली उधरी है, बाजू में ही है, और सब लोग आते हैं जाते हैं, नशा का चीज लेके जाते हैं, हम कुछ बोले तो हमको मारने का डर, हमारी जान को डर है, हम बूढ़े इंसान है। आप क्या कहोगे इस नशे के बारे में? मैं ये बोल रही हूँ कि उधर गार्डन खुला है, गार्डन में बहुत लोग जाते हैं, हम लोग माना करते हैं कि जब गार्डन के गेट है तो तुम लोग इधर से क्यों जा रहे हो, इधर क्यों नशा करते हो, यहाँ 12 बजे रात की, 1 बजे रात, 2 बजे रात के जाओ निकलो घर से तो बाहर खड़े रहते हैं लोग, डर से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम लोग बोलते हैं जो जिधर गेट है उधर से जाओ, इधर रास्ता है, लेडीज फैमिली रहते हैं, इधर से आने जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा घर उधर पीछे है, तुम नहीं बोल सकते। तो अब आपका क्या कहना है ये नशे के खिलाफ? हमारा कहना यही है कि ये नशा पानी इधर से बंद हो जाए, बस हम लोग का यही कहना है, लोग इधर से बाहर ही आना जाना बंद हो जाए। अभी 2 दिन पहले इधर से एक बच्ची को उठा के किसी ने लेके गया, ये सब नशाखोरी का ही काम है, नशा करते हैं, दूसरे की बच्ची को इधर लेके जा रहे, उधर लेके जा रहे। अभी परसों के दिन हमारे इधर एक मैटर हो गया, उसको नशा करने वाले ही कर रहे, चोरी हो रही है, आए दिन मोटर इधर से किसी का लेके चले जा रहे, घर से वायर लेके जा रहे, मोबाइल लेके जा रहे। हमारा प्रशासन से एक ही कहना है कि प्रशासन इसको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे के इसको बंद करा दे यहाँ पे। तो आपने सुना किस तरीके से सईदा सोसाइटी के लोग परेशान हैं कि नशा खुलेआम बेचे जा रहे हैं और इतने जोरों शोरों में लोग इस नशे के आदि बन चुके हैं।
काफी घाटकोपर के काफी लोग बहुत परेशान है इस नशे को लेके, और जिस तरीके से बार बार कह रहे थे कि पीछे की दीवार टूट गई है, उस वजह से वहां से गार्डन में से नशा करके वो नशे करने वाले लड़के यहीं से गुजरते हैं, और इसमें मासूम बच्चियों को भी टेंशन है कि कहीं बच्चियों के साथ गलत ना हो जाए। आपने ये भी सुना कि दो दिन पहले ये एक मासूम बच्ची को उठा ले गए नशे की हालत में, कहीं अगर किसी की जान चले जाए या मासूम बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो घाटकोपर से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।